हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम आपके इतिहास के पार्ट 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस पार्ट के भाग 3 को करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इस वर्ण व्यवस्था में संसाधन और प्रतिष्ठा किस प्रकार से वितरित थे। उसके बाद हम सामाजिक विषमताओं के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जाति शब्द का अर्थ जाना था। दोस्तों, जाति शब्द एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। दोस्तों, हमारे धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार लोगों को वर्णों में बांटा जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि इस व्यवस्था में दर्जा जन्म के अनुसार निर्धारित होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं इन वर्णों के नाम को। दोस्तों, पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य और आखिरी और चौथा वर्ण है शूद्र। दोस्तों, ब्राह्मणों को इस वर्ण व्यवस्था में पहला दर्जा प्राप्त था। ब्राह्मणों का मानना था कि ये वर्ण व्यवस्था दैव्य व्यवस्था है। दोस्तों, धर्म शास्त्रों ने इन चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका यानी कामकाज से जुड़े कुछ नियम भी बताए थे। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का काम था वेदों की शिक्षा करना, यज्ञ करवाना और करना तथा उनका काम दान देना और लेना भी था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं क्षत्रियों के बारे में। दोस्तों, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में दूसरे स्थान पर आते हैं। दोस्तों, क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। दोस्तों, वैश्य वर्ण व्यवस्था में तीसरे स्थान पर आते हैं। वैश्यों का काम था गौ पालन करना, कृषि करना और व्यापार के कामकाज करना। दोस्तों, इसी के साथ साथ दान दक्षिणा देना और यज्ञ करवाना भी इनके काम में शामिल था। दोस्तों, अब चलते हैं अंतिम वर्ण की ओर। अंतिम वर्ण है शूद्र। दोस्तों, शूद्रों को वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पर रखा जाता था। दोस्तों, शूद्रों के लिए मात्र केवल एक ही जीविका थी, वो थी तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। दोस्तों, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था का पालन करवाने के लिए दो तीन नीतियां अपनाई। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ब्राह्मणों ने बताया कि वर्ण व्यवस्था एक दैव्य व्यवस्था है। दोस्तों, दूसरी नीति यह थी कि ब्राह्मण शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। दोस्तों, इसके अलावा तीसरी नीति यह थी कि उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समाज में
संसाधन और प्रतिष्ठा किस प्रकार बांटे गए थे। दोस्तों, हम ये परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। दोस्तों, इस काल में संपत्ति पर स्त्री और पुरुषों के भिन्न भिन्न अधिकार थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मनुस्मृति ने पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के लिए क्या क्या तरीके बताए हैं। दोस्तों, पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए हैं, जिसमें से पहला तरीका है खोज करके, दूसरा तरीका है खरीद करके, तीसरा विजित करके, चौथा निवेश करके, पांचवा कार्यों द्वारा, छठा भेंट के द्वारा और 7वां तरीका है विरासत से धन को अर्जित करना। दोस्तों, इसी प्रकार मनुस्मृति में महिलाओं के लिए भी धन अर्जित के तरीके बताए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि महिलाएं 6 तरीकों से धन अर्जित कर सकती हैं। पहला तरीका है वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधुगमन के समय मिली भेंट। दूसरा, भाई माता पिता द्वारा स्नेह के रूप में दिए गए उपहार। तीसरा है परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वे सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वर्णों में संपत्ति और प्रतिष्ठा किस प्रकार बांटी गई थी। दोस्तों, जैसा हमने जाना कि ब्राह्मण इस व्यवस्था में सबसे ऊंचे स्थान पर थे, उनकी संपत्ति भी सबसे ज्यादा होती थी। इसी प्रकार संपत्ति और अधिकार के मामले में क्षत्रिय दूसरे स्थान पर आते थे, वैश्य तीसरे स्थान पर और शूद्र सबसे निचले स्थान पर आते थे। दोस्तों, अभी तक हमने ऐसी परिस्थितियों का परीक्षण किया जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे। लेकिन दोस्तों, समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। दोस्तों, ऐसी स्थितियां भी थी जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति यानी कि जो दान नहीं देते थे उनको घृणा का पात्र माना जाता था। दोस्तों, ये माना जाता है कि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, लेकिन जिन लोगों के पास संसाधन थे या संसाधनों पर जिन लोगों का नियंत्रण था, उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे लोग मिल बांट के इन संसाधनों का उपभोग करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना और जाना कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में लोगों को बांटा है। उसके बाद हमने संसाधन और प्रतिष्ठा का सामाजिक वितरण जाना। उसके बाद हमने सामाजिक विषमताओं के बारे में जाना और जाना समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं मौजूद थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तक से भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से इस पाठ को जरूर पढ़ें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ और बची हुई सामाजिक विषमताओं के बारे में। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राचीन काल में कोई अक्षत्रिय राजा भी होता था या नहीं। उसके बाद हम समाज में जाति और सामाजिक गतिशीलता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम वर्ण व्यवस्था की आलोचनाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे किन किन जन समुदायों ने इस व्यवस्था की आलोचना की
और अंत में हम जानेंगे कि इतिहासकारों ने साहित्यिक ग्रंथों का इस्तेमाल किस प्रकार किया।